नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के फाउंडेशन कोर्स में खुश आमदीद। सेल्फ ग्रूमिंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ मिस सना नज़ीर। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने काम अपने हाथों से ही सर अंजाम देने चाहिए, और ये करने के लिए हमें चाहिए कि हम काम करना सीख लें, ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो हम अपना काम खुद कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारी अम्मी घर पे ना हो या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो हमें इतना काम तो आना चाहिए कि हम भूखे ना रहें, ना पेट भर लें, कोई ना कोई चीज बनाकर अपने पेट पूजा कर लें। क्या ख्याल है इस बारे में आपका? आज जो काम करना मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कितना आसान है, और उसका आना उसका करना कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इस काम को सीख जाते हैं तो एटलीस्ट आपको 2-3 काम बहुत आसानी से आ जाएंगे, और आपका खौफ भी ख़त्म हो जाएगा जो चूल्हा जलाते हुए लोगों को महसूस होता है। तो चलिए सीखते हैं अंडा बॉईल करना। जी स्टूडेंट्स, अंडा बॉईल करना। अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो अंडा बॉईल करके खाना चाहिए। उबले हुए अंडे का सैंडविच भी बन सकता है, ये सूप में भी काम आता है, इसका सालन भी बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अलावा हाफ बॉईल अंडा नज़ला, खांसी और ज़ुकाम में बहुत तक़वियत बख्शता है। तो हम आपको हाफ बॉईल और फुल बॉईल दोनों की रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले फुल बॉयल एग की तरकीब बताते हैं, तो आइए सीखते हैं। एक अंडा उबालने के लिए आपको चाहिए पानी 2 कप, छोटी देगची 1 अदद, नमक 1/2 चमची और आग हस्ब जरूरत। तो सबसे पहले पतीली में 2 कप पानी डालेंगे, इसके बाद इसे चूल्हे पर सेट करेंगे। ना कहीं से टेढ़ी हो ना कहीं से मेड़ी हो, मतलब इसको बैलेंस करेंगे आगे पीछे से, चारों तरफ से दोनों हाथों से लगा के चूल्हे के स्टैंड पर आप दोनों हाथों की मदद से पतीली को बैलेंस करेंगे। अब आप लाइटर या माचिस की मदद से चूल्हा जलाएंगे और आंच को दरमियाना कर देंगे, और जल्दी से इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा ज़ोर से नहीं डालना है, अंडा रखना है, डरने की कोई बात नहीं है, ना अभी पानी गर्म हुआ है ना पतीली। स्टूडेंट्स, अगर आप पहले से चूल्हा जला देंगे तो पतीली को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आसान तरीका ये है कि बंद चूल्हे पर ही पतीली को आराम से सेट कर लें और उसके बाद चूल्हा जलाएं। अब आप 5 मिनट तक अंडा पकने का इंतज़ार करेंगे। इस दौरान सबसे पहले पानी गर्म होगा और फिर वो इतना गर्म होगा कि खौल जाएगा और उबलना शुरू हो जाएगा। जब पानी उबल जाएगा तो फिर अंडे की आवाज़ भी आपको खुद सुनाई देगी। इस पानी में नमक डालना मत भूलिएगा, 1/2 चमची नमक आपको डाल देना है। जैसे ही आप अंडा पतीली में डालेंगे, आप नमक भी साथ शामिल कर देंगे। 5 मिनट के बाद आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इस पतीली को चूल्हे से किसी कपड़े या पकड़ की मदद से उतारेंगे और पानी को ज़ाया कर देंगे। अब इसकी जगह आप नल का पानी पतीली में डालेंगे। ये तरीका इसलिए है कि अंडे का छिलका आराम से उतरेगा। नल का पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट आप वेट करेंगे, और बस अब आपने अंडे को पानी से बाहर निकालना है और उसको आराम से छील लेना है, उसके छिलके अलग कर लेने हैं, और फिर इसको आपने बीच में से काट देना है, और नमक और काली मिर्च छिड़क कर मज़ा आ गया ऐसे खा लेना है।
तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको अंडा उबालने की तरकीब? अब हाफ बॉयल अंडे की तरकीब देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, वहाँ पे 5 मिनट थे, यहाँ टाइम 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट आपको अंडा चूल्हे पर रखना है। 3 मिनट में पानी भी उबल जाएगा और अंडे के कूदने की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, वरना अंडा ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा। हाफ बॉयल अंडा पतीली में से निकाल के और ठंडे पानी में थोड़ी देर डिप कर दें, वही 2 से 3 मिनट तक। ठंडा पानी मतलब नल का पानी। जी स्टूडेंट्स, इस बार अंडा छीलने में आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडा बिल्कुल नरम है, यानी कि हाफ बॉयल है। आपको हल्के हल्के हाथ से इसके आराम आराम से छिलके उतारने हैं। अगर छिलके उतारने में ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो अंडे की जर्दी निकल जाएगी और बहना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप प्याली के अंदर ही इस अंडे को छीलें, इसके छिलके अलग करते रहें और अंडे को प्याली के अंदर ही मूव करते रहें, घुमाते रहें। जहाँ जहाँ पे छिलका है वहाँ वहाँ से हल्के हाथ से आप इस छिलके को उतारें। आपका हाफ बॉयल अंडा तैयार है। इसको भी आपको कैसे खाना है, बीच में से 2 टुकड़े करने हैं छुरी से और नमक और काली मिर्चें छिड़कनी है और एक बार फिर चमचे में रखना है आधा हिस्सा अंडे का। और ये हुई ना बात, ऐसे अंडा खा लेना है। और ये हाफ बॉयल अंडा फुल बॉयल एग के निस्बत बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अफादियत वाला है, बहुत तकवियत बख्शता है। इस्पेशली खांसी नज़ले के दौरान जो है वो अगर आप इसको खाएं तो आपको अफाका होगा। इसके ऊपर एक एहतियात कीजिएगा कि पानी मत पीजिएगा, हो सके तो गरम चाय या फिर गरम दूध या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद है पसंद आई होगी और बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, अपना हर काम अपने हाथ से करना, तो विजिट कीजिए नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन अपने अख्तिताम को पहुंचा। नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।